नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में नियोजित निर्माण के लिए संकल्पित वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राहुल पांडे द्वारा शहर के सैकड़ों मैरिज लॉन संचालकों को बिना अनुमति प्राप्त किए निर्माण करने की नोटिस दिए जाने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में वाराणसी व्यापार मंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में लॉन संचालकों की आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें मैरिज लॉन व्यापार मंडल का गठन किया गया, जहां सर्वसम्मति से अध्यक्ष अनिल पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौमित्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर, कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ कुमार को चुना गया। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों ने बग्गा के नेतृत्व में भरोसा और विश्वास जताते हुए सीधे वाराणसी के मंडला कार्यालय पहुंचकर वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राहुल पांडे को ज्ञापन सौंपने के साथ ही इस बात पर अड़ गए कि उनका निर्माण चाहे जैसा भी हो उसे मान लिया जाए। लॉन संचालकों की नियम विरुद्ध मांग को मानने में असमर्थता व्यक्त करने पर सभी संचालकों ने हंगामा खड़ा कर दिया, लिहाजा उपाध्यक्ष राहुल पांडे को बैठक छोड़कर जाना पड़ा। बताते चले कि पिछले दिनों आयकर विभाग द्वारा शहर के एक दर्जन से अधिक लॉन संचालकों के यहाँ आयकर के छापेमारी से हुई करोड़ों की कर चोरी पकड़ी गई। उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सरोजा पैलेस के मालिक और वाराणसी व्यापार मंडल युवा के अध्यक्ष सनी जौहर तथा भैरवनाथ स्थित सोना साव के नाम से विख्यात सर्राफा कारोबारी घनसु सेठ के सारनाथ स्थित नंदगांव लॉन से करोड़ों की कर चोरी पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। उसी वक्त इस बात का खुलासा हुआ कि इन लॉन संचालकों के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग थे। दोनों लॉन मालिक भले ही अलग अलग थे, किंतु दोनों का संचालक ठेकेदार टेंट मालिक मदन ही निकला है, जिसे आगे रखकर लॉन संचालक बुकिंग से लेकर कैटरिंग, लाइट, सजावट, माली सभी के नाम पर लाखों की काली कमाई करता है। उस वक्त भी वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा सनी जौहर के पक्ष में न केवल खड़े रहे, बल्कि आयकर छापेमारी के दौरान कुछ भी गलत नहीं होने दिया। आज जब वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राहुल पांडे ने शहर के सैकड़ों लॉन संचालकों को अवैध व्यावसायिक निर्माण के खिलाफ न केवल नोटिस भेजा है, बल्कि सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सील करने और ध्वस्तीकरण का भी फरमान भेजा है, जिसके खिलाफ लॉन संचालक लामबंद हो चुके हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में ऐसा तेवर दिखाया कि बीडीओ उपाध्यक्ष को बैठक बीच में छोड़कर वापस जाना पड़ा। अब देखना है बीडीए की नोटिस के बाद लॉन संचालक अपने अवैध निर्माण को नियमानुसार सही करते हैं अथवा बीडीओ उपाध्यक्ष राहुल पांडे की लीगल नोटिस की परवाह किए बिना आर पार की लड़ाई लड़ते हैं या उसका डटकर मुकाबला करते हैं। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, आज लॉन व्यवसाय के ऊपर बैठक थी, जिसमें प्रशासन की यह मंशा है कि लॉन व्यापारी जो हैं अपने यहाँ नाम्स के अनुसार इनके जो वीडीए के हैं उससे मानचित्र को पास करा लें और पार्किंग की व्यवस्था दें। हम व्यापारियों ने एक स्वर में, पूरे बनारस के लॉन वालों ने यह मांग की है कि जिसका जैसे बना है उसको उसी तरह बिना समन शुल्क, बिना चार्ज लिए उसको मान लिया जाए। अगर हम आगे किसी तरह का उसमें रद्दो बदल करते हैं उसके लिए मैं वीडीए से परमिशन लूँगा और मैं पार्किंग की व्यवस्था पहले भी देता था, आगे और अच्छी प्रशासन के मंशा के अनुरूप देने की कोशिश करूँगा, परंतु किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसी रात नाराज होकर उठ के चले गए। मैं भी व्यापार मंडल का एक सदस्य हूँ। हम लोग किसी प्रकार का समान शुल्क देने को तैयार नहीं हूँ। इसके लिए लॉन बंद करने की नौबत आएगी, बंद कर दूंगा। हम सारे व्यापारी एक संगठित होकर के इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। नतीजा जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अध्यक्ष जी तो बात की, अधिकारी बात खड़े हुए, हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं, लेकिन अब बीडीए में आप ही दौड़ने जाइए। कोई 5 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है, कोई कितना मांगता है। आज
हर लान और सभी लोग चाहते हैं कि हम अपना व्यवसाय सुचारू रूप से नियम के तहत चलाएं ताकि कोई व्यवधान ना आवे। हम लोग लेने को तैयार हैं नक्शा, लेकिन उसकी मानक सही हो ताकि हम लोग दे सके। अरे साल में हम लोग 10 बुकिंग लिए, 8 लाख रुपया कमाए, 8 लाख रुपया में हमारे लेबर हैं, वेंडर हैं, गवर्नमेंट को भी GST टैक्स देना है, लान का देना है, क्या बचा था? इनके हिसाब से 10-20 साल जमीन लेके हम लोग अपना जमीने बेच करके देने पे पूरा नहीं हो काम तो बंद हो गया। तो ये तो मतलब क्या है ये आप सभी लोग सम्राट बंधु हैं और माननीय मेयर साहब फसलेंदर जी, ठीक है, इस समय सरकार में भी हैं, सत्ता में भी हैं और उनके साथ सभी दूसर जी बड़े भाई साहब की बात भी हुई है कि उनको आगे कर दिया जाए इस मैटर से। BDO उपाध्यक्ष PM कमिश्नर से भी बात किया जाए इस मैटर पे, ठीक है। रही लान चलाने की जो नोटिस आई है, ठीक है, जो मकान हम लोगों का बना हुआ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी उसी को तमाम लगा के हम लोग को पास कर, जो उसका सर्कुलर है लान चलाने का और मकान BDA का नक्शा पास कराने का, ठीक है, उस कानून को बीजी को आप निकालिए, ठीक है, उसकी एक एक कापी सबको उपलब्ध करा दी जाए 23 तारीख को। देखिए जब भी आप अधिकारियों से बात करें तो लाजिक के साथ बात करें, ऐसा भी हम लोग बात ना करें कि हंसी के पात्र हो जाए। भाई ऐसे ये बताइए, आप नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं 95 पैसा कमर्शियल के रेट से, आपसे 95 पैसा के रेट से लिया, 5 गुना उसको 5 गुना किया, ठीक है, और खाली प्लाट का 60 पैसे 20 पैसे के हिसाब से लिया है। आप लोगों को पता सबको होना चाहिए। भैया जी जैसे कि सब लोग हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे हमका जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है उससे आप हमको पैसा लेके नक्शा पास कर दीजिए। मैं उसके अलावा अगर उसके बाद कोई लोन में बुकिंग करता है बाहर उसका माल जब्त करके आंदोलन होगा। मैं जितने लोग इसमें एग्री है कि हमको नक्शा पास करा के अपना व्यापार करना है तो नक्शा पास कराना है, लोन चलाना है तो कराना पड़ेगा, वो लोग एक साथ एकजुट होके वो काम कराएं। उसमें जो नहीं सहमत है वो उसमें नहीं भी पार्ट लेंगे तो भाई उसको जबरदस्ती नहीं की जा सकता है। हम अगर साथ में जाएंगे तो BDA पैसा कमाई धन उगाही नहीं कर पाएगा। जहां अलग हुए BDA आपसे सबसे पैसा लेगा, नक्शा पास कराना एड़ी चोटी का काम हो जाएगा, नहीं हो सकता और आपको सबको व्यापार करने में समस्या आएगी। देखिए प्रैक्टिकल बात करिए भीम भाई, आप दूर वाली बात मत करिए, सरकार से आपको नोटिस आया है, आप प्रैक्टिकल बात करिए। फाइन नहीं है इस पर, अगर आप अकेले अकेले जाएंगे या आप नहीं जाएंगे तो फाइन भी देंगे अलग से। आप ये भी तो आप चीजों को समझिए, बने हुए पर अगर आप नक्शा दाखिल करते हैं बने हुए पर, खाली पर नहीं, चार है और ये आपको माफ किया जा रहा है, और जो आप लोग कह रहे हैं सारी बातें और जहाँ अगर आप बहुत विरोध करें अधिकारी पनक जाएगा, कहेगा ठीक है ऐसा है जिस हिसाब से करना है तो कुछ नहीं होगा। और जिसको भी डाउट हो फिर हम कह रहे हैं आप मिल लीजिए, वो बोले भी हैं इंडिविजुअली पॉइंट ऑफ व्यू टीम बनाइए जाके मिलकर अपनी बात रखिए। यही है क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।